नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज मैं अगर आप दो भाई हैं या फिर ऐसा घर बनवाना चाहते हैं जिसमें बंटवारा होने के बाद भी दोनों भाई को दोस्तों बराबर बराबर हिस्सा मिले, या फिर दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही कम जगह में ऐसा सेटअप बनाया जाए कि यहाँ पे दो फैमिली को अलग अलग तरीके से रेंट दिया जा सके, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 20 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है। लंबाई की बात कर लेते हैं, 40 फीट है। उसी में दो फैमिली के लिए दोस्तों या तो रेंट पर्पज़ के लिए आप रूम बनवा सकते हैं, या फिर दो भाइयों के लिए, या फिर दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग करके बना सकते हैं कि दोनों भाई को अगर बंटवारा भी करना पड़े तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। खास तौर पर दोस्तों रेंट पर्पज़ के लिए इस तरीके के घर का मैं जो है वो आपको सजेशन दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सभी भाई दोस्तों साथ में मिलकर रहें। पहले चलते हैं इस वाले कंपार्टमेंट में कि क्या क्या बनाया गया है, उसके बाद दोस्तों इस वाले पार्ट को भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए, ये जो है वो एंट्री है, ठीक है, ये एंट्रेंस है। इस तरीके से बांटा गया है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। ये इस प्लॉट के लिए रोड है, ठीक है। रोड से आप अंदर आएंगे तो ये इस तरीके से दोस्तों जो है वो सीढ़ी रूम से ही आपका जो है वो एंट्री यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दो कंपार्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा था, और एक दोस्तों यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे सेटअप किया जाएगा और दूसरा वाला दोस्तों सीढ़ी के इस साइड में सेटअप किया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो इस पूरे प्लॉट में दोस्तों चार फैमिली के लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है, खासतौर पर रेंट पर्पज़ के लिए दोस्तों ये बनाया जा रहा है। चलिए, मैंने जैसे बताया था इसमें सबसे पहले चलूँगा। तो ये दोस्तों इस घर का हॉल है, ठीक है, आप देख सकते हैं हॉल है, काफ़ी स्पेसियस हवादार दोस्तों हॉल है, ठीक है। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, लगभग जो है वो 20 फीट का अगर आपके पास ज़मीन है तो इस तरीके का काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये हॉल हो गया। हॉल के साइड में दोस्तों यहाँ देखेंगे तो पार्टीशन करके यहाँ पर दोस्तों इसको बाथरूम बनाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक बाथरूम देखने को मिल रहा, ठीक है। अब बाकी पार्ट दोस्तों पूरा का पूरा हॉल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो यहां से हमारी एंट्री हुई थी, बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं बेडरूम, ठीक है। बेडरूम आप देखेंगे यहां पे दोस्तों एक बेडरूम दिया गया है, और बेडरूम के बाद दोस्तों किचन की भी आवश्यकता होती है, तो यहां पर देख सकते हैं एक किचन बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों एक बेडरूम, एक किचन, एक हॉल और एक बाथरूम, पूरा 1 BHK का दोस्तों प्लान जो है वो तैयार किया गया है। आप इसको रेंट पर्पज़ के लिए भी दे सकते हैं बिल्कुल जो है वो, और ऐसा अगर पार्टीशन रहे तो रेंट आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस वाले फैमिली को किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको लगभग उसी तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा। ये बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया और ये किचन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं, किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के द्वारा। तो फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।